शिवालिक हिमालय च समुंदर तल तो लगभग 2099 फुट की ऊंचाई से स्थित नाहन शहर सिरमौरी शासकों की राजधानी है। इतिहासिक शहर नाहन विच इतिहासिक स्थानों की कोई घाट नहीं है, पर इतिहासिक चौगान तो बिना नाहन का जिक्र बिना मिठे की खीर वर्गा है। हिमाचल की विरासत विच आज असी गल करांगे सैकड़े सालों तो शहर के विचकार स्थित नाहन के चौगान मैदान की। बदलते समय के नाल भावें चौगान का रूप बदल गया हो, पर चौगान के सीने च अजिहियां बहुत सारिया घटनावां कैद ने जो इसकी इतिहासकता की गवाही भरदियां ने। अजोके युग में बहुत सारिया शहरी और खासकर नौजवान पीढ़ी अजे भी इस चौगान की इतिहासकता तो अणजाण है। उदाहरण वजो जब दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 30 अप्रैल 1685 को शाही रियासत के महाराजा मेदनी प्रकाश के सदे से नाहन पहुंचे तो गुरु महाराज के लव लश्कर ने चौगान मैदान में डेरा लाया। गुरु जी महाराज लगभग 8 महीने नाहन शहर रहे। इस मैदान के नाल इतिहासिक गुरुद्वारा श्री दसम स्थान भी स्थित है। गोविंद सिंह जी महाराज या बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के आने पर होने वाले भव्य आयोजन हों, इन सब का ये साक्षी रहा है। सिखों के लिए चौगान बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तकरीबन 8 महीने 10 दिन जब नाहन की धरती को भाग लगाए, जहाँ पर उनका गुरुद्वारा दशमेश स्थान नाहन सुशोभित है, तकरीबन सात संगत जी 8 महीने 10 दिन गुरु साहब की जो फौज थी उन्होंने इसके ऐतिहासिक चौगान नाहन के चौगान के अंदर कैंप लगाकर अपना निवास किया। और भी जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, चाहे वो हमारे आजादी के आंदोलन का समा रहा हो, चाहे वो पजोता कांड या और भी कोई भी हमारी घटनाएं हुई, शायद ही कोई ऐसी घटना होगी जो इस नाहन के चौगान से अछूती रही। सिरमौर रियासत दे राज दे आखिरी महाराजा राजेंद्र प्रकाश का 1933 विच राज तिलक का गवाह भी चौगान ही बनया सी। कहा जाता है कि राज तिलक का जश्न इन्ना शानदार सी कि राज तिलक के मौके ते डकोटा जहाज विचों चौगान ते फुल्लां दी वर्खा कीती गई सी। इस मैदान विच राजे अपने भारी परकम हाथियों नाल युद्ध का प्रबंध करते सी। पोलो ते क्रिकेट दे शौकीन शाही परिवार दे मैंबरां दे मैच भी इस चौगान मैच विच ही करवाए जाते सन। जो चौगान मैदान है, इसका चौगान का नाम पोलो से पड़ा, जिसको अंग्रेजी में घोड़ों का जो खेल होता है पोलो, और उसको पर्शियन में और उर्दू में उसको चौगान बोलते हैं। राज्य उत्सव होते थे या परेड होती थी या कोई और उत्सव होते थे, उसके लिए रखा गया था। जो भी महत्वपूर्ण इसमें गैदरिंग होती थी और लोग इकट्ठे होते थे तो इसे मनाया जाता था। और ख़ास करके जब ये फौजें वगैरह एकत्रित होती थी, इससे पहले ये जो आपका कैंटोनमेंट एरिया है जिसको शमशेरपुर कैंट कहते हैं, वो महाराजा शमशेर प्रकाश के समय में बना, पर उससे पहले जो फौजी वगैरह इकट्ठे होते थे और एक्सरसाइज वगैरह करते थे वो इसी चौगान मैदान में करते थे। इसके साथ ही एक साइड अस्तबल थे जहाँ की घोड़े वगैरह भी रखे जाते थे, उनको भी इसमें उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी और उनको एक्सरसाइज वगैरह यहाँ कराई जाती थी। उते ही आज़ादी तो बाद रियासतां नूं भारतीय संघ नाल मिलाउण समय सिरमौर दे राजे ने भी अपनी गद्दी छड्डण दा ऐलान इसे मैदान च कीता सी। इह महाराजा दी किस्मत दी विडंबना ही सी कि जिस मैदान विच 1933 विच उन्हां दा राज अभिषेक कीता गया सी, महाराजा नूं 1947 च उसे मैदान विच अपनी गद्दी छड्डनी पई। ये नाहन का मुख्य प्लेस है। नाहन के अंदर लोगों के लिए शाम को घूमने फिरने से लेके बच्चों का खेलने तक सबका ये केंद्र है। हमारा अनुरोध है कि नगर परिषद जो है इस ऐतिहासिक धरोहर को कृपया करके ध्यान दे, ताकि इसको अच्छे से अच्छे रूप में निखार कर हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। आज़ादी के 73 साल बाद भी इतिहासिक चौगान एक वखरा मुकाम रखता है। इत्थे सारे राष्ट्रीय त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। इस चौगान मैदान ने किन्ने ही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिडारी दिते ने, पर इस समय स्थानक लोग इस मैदान लिए चिंतित ने।
लिहाजा इस इतिहासिक विरासत की संभाल लई जिला प्रशासन सने सिटी कौंसल नूं ढुकवें कदम चुकन की लोड़ है ताकि इसकी इतिहासिकता कायम रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.